दोस्तों आज कवर करेंगे यूरोपियों के आगमन से संबंधित 15 ज्यादा क्वेश्चन। जब दोस्तों यूरोपियों ने आगमन किया भारत में तो हमारी हिस्ट्री ने थोड़ी पलटी खाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप RRB NTPC का भी एग्जाम देने वाले हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। तो दोस्तों पर्सन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन है फ्रांसिस डी अल्मेडा, बी ऑप्शन है अल्फांजो डे अल्बुकर्क, सी वास्कोडिगामा, डी रॉबर्ट डे नोवली। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए। 3 सेकंड हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप मिलेंगे आपको। और दोस्तों स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऑप्शन बी अल्फांजो डे अल्बुकर्क। देखिए दोस्तों ये पुर्तगाली थे जिन्होंने गोवा पर सबसे पहले अधिकार किया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी सर जॉन शोर, सी लॉर्ड मैकरविज ऑफ हेस्टिंग, डी ऑप्शन है वारन हेस्टिंग। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों। ऑप्शन डी वारन हेस्टिंग। देखिए दोस्तों भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग था। ध्यान रखेंगे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आधुनिक भारत से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ऑप्शन है ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए। 3 सेकंड मिलते हैं आपको। ऑप्शन डी पुर्तगाली। देखिए दोस्तों पुर्तगाली थे जो भारत में सबसे पहले आए और अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्कोडी गामा भारत में कहां उतरा था? ऑप्शन है गोवा, कालीकट, मैंगलोर, कोचीन। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए। 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी कालीकट। देखिए दोस्तों 1498 ये जो ईयर है ये भी ध्यान रखेंगे आप, वास्कोडी गामा भारत आया जिन्होंने भारत की खोज की थी और दोस्तों वो कालीकट पोर्ट पर उतरे थे। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, वास्कोडी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस। दीजिए अपना राइट ऑप्शन अगर पता है तो दोस्तों। ऑप्शन ए पुर्तगाल। देखिए दोस्तों वास्कोडी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ऑप्शन है सर टॉमस रो, बी राल्टाबीता, सी सर जॉन्ड और डी ऑप्शन है सर जॉन शोर। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों अगर आपको पता है तो। ऑप्शन ए सर टॉमस रो। देखिए दोस्तों वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी सबसे पहले, तो दोस्तों वो थे सर टॉमस रो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था? ऑप्शन डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए। 3 सेकंड मिलते हैं आपको। ऑप्शन डी पुर्तगालियों द्वारा। देखिए दोस्तों गोवा, दमन एंड द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल मेरे साथ याद करते हुए चले। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे है दोस्तों, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? ऑप्शन ए राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों। 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी बीजापुर के सुल्तान से। देखिए दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में और किससे छीना था? दोस्तों बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बिल्कुल आप ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? ऑप्शन है डचो द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए। 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा। देखिए दोस्तों सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, जैसे कि वास्कोडी गामा है 1498 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन है अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए। 3 सेकंड आपको मिलते हैं अगर पता है तो। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जहांगीर। देखिए दोस्तों जो अंग्रेज आए थे उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। और अनुमति किससे ली थी? तो दोस्तों जहांगीर से ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट,
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, बी ऑप्शन है मैंगलस, सी वास्को डी गामा, डी है टॉमस मूर। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। आरआरबी टेक 2014 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन सी वास्को डी गामा। देखिए दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन है पेरिस की संधि, बी ऑप्शन बेसिन की संधि, सी ऑप्शन है ए ला सापिला की संधि, डी ऑप्शन है सूरत की संधि। दीजिए अपना राइट ऑप्शन दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए पेरिस की संधि। देखिए दोस्तों तीसरा कर्नाटक युद्ध था ना, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष, वो दोस्तों किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो वो पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन ए काली मिर्च वे अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, बी ऑप्शन है धर्मांतरण करना, सी राज्य स्थापित करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापारों पर एकाधिकार प्राप्त करना। दोस्तों ये पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का मेन उद्देश्य था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? ऑप्शन है दोस्तों कालीकट के राजा जमोरिन ने, बी ऑप्शन है कोलाथिरी ने, सी ऑप्शन है कोचिन के नायर ने, डी ऑप्शन है त्रिवेदी ने। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए कालीकट के राजा जमोरिन ने। देखिए दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए और कालीकट पर उतरे और उनका स्वागत किया था राजा जमोरिन ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन है कोचीन, कालीकट, पुलिकट और कन्ननौर। तो दोस्तों अपना राइट ऑप्शन दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन बी कालीकट। देखिए दोस्तों पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? कालीकट में लगाई थी। और दोस्तों अंग्रेजों ने कहां लगाई थी? सूरत में लगाई थी। दोस्तों ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो यूरोपीय भारत में आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो दोस्तों हम इसी तरह का वीडियो बनाते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, पहली बार आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। चलिए मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।